Welcome students and welcome back to my computer education class for grade 6. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि lecture number 1 में हमने computer का introduction पढ़ा था, data and process data के बारे में पढ़ा था, software and hardware के बारे में थोड़ी discussions की थी. So you got to know about the basics of computer. ठीक है, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. आपका लेक्चर नंबर 2 है ये, वहीं से जहां से बुक को हमने छोड़ा था सॉफ्टवेयर पे, वहां से हम आगे से इस बुक को दोबारा से स्टार्ट करेंगे और उसको रीड आउट करेंगे. मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और वहां आप लोग सीखेंगे कि आगे आगे जो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हैं उसको और मजीद तफसील से कहां तक पढ़ना है. ठीक है, तो आ जाएं अपनी बुक पे. ये देखिए, हमने डेटा प्रोसेसिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कंप्यूटर पढ़ा था पिछली दफा. इसको आप साथ साथ रिवाइज करते रहिए, इसको भूलिएगा मत, जहन में रखिएगा, कीप दैट इन योर माइंड्स. हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. ठीक है जी. फॉलोइंग इज अ टेबल दैट डिस्क्राइब सम डिफरेंसेज बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. वैसे तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में I have told you that what is the difference between hardware and software. ठीक है, hardware can be touched and software cannot be touched. ये मैंने आपको basic difference इसका बता दिया था. आज हम इसको थोड़ा सा explain करेंगे, तफसील के साथ पढ़ेंगे. Hardware refers to all physical parts of a computer that we can see and touch. On the other hand, software is the set of instructions given to the computer to perform a specific task. ठीक है, hardware physical parts of the computer होते हैं, यानी कि वो parts जिनको हम physically देख सकते हैं, जैसे उधर पड़ा हुआ है keyboard, CPU. ठीक है, ये सारे physical parts कहलाते हैं hardware, इसको हम see and touch कर सकते हैं. On the other hand, so software है, वो एक set of instructions होता है. ठीक है, हम कोई भी इनपुट देते हैं, ठीक है, कोई भी हम टाइप चीज करते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर, उसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, बट सॉफ्टवेयर इज लाइक अ ह्यूमन सोल. अब देखो इन्होंने कितनी क्लियर एग्जांपल आपको दे दी है कि वी हैव अ बॉडी, वी ऑल हैव अ बॉडी ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, हमारा एक जिस्म है, वो सारा जो है वो हम उसको देख सकते हैं एंड टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर, लेकिन लाइक सॉफ्टवेयर हमारे अंदर एक सोल है, एक रूह है, जिसको ना हम टच कर सकते हैं ना ही हम देख सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो मौजूद है. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, जिस तरह बॉडी एंड सोल होता है. सम एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर आर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, सिस्टम यूनिट, स्कैनर, मदरबोर्ड, स्पीकर्स एक्सेट्रा. ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, सम एग्जांपल्स आपको ये दी गई है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, एक्सेट्रा. ऑन द अदर हैंड, जो सॉफ्टवेयर के आपको एग्जांपल्स दी गई उनके अंदर है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एमएस पेंट, मीडिया प्लेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे जो हैं, ये आप जब कंप्यूटर खोलते हैं, क्लिक करते हैं तो ये ओपन कर सकते हैं, बट यू कैन नॉट फिजिकली टच देम. ठीक है, तो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. अब आपने जहन नशीन कर लेना है एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट दीज मेन टॉपिक्स इन योर रजिस्टर्स और नोटपैड्स. ठीक है, अपनी कॉपीज या रजिस्टर्स पे लिखना मत भूलिएगा. आपके पास पेन और रजिस्टर मौजूद होना चाहिए ड्यूरिंग दिस लेक्चर. आपको जो भी मेन पॉइंट समझ में आए, जो भी आपको वो लर्न कर रहे हैं, आप सारा कुछ एक पॉइंट वाइज लिखते जाएं, ताकि आप एट द एंड जब आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको आसानी होगी. बच्चों, आफ्टर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर we have input devices. What are input devices? Devices that are used to enter data into a computer are called input devices. The widely used input devices are the keyboard, mouse, microphone, scanner and digital camera. Input devices वो devices होती हैं जिनसे हम कोई चीज लिखकर computer में डालते हैं और वो हमें उसका result बनाकर देती है. फॉर एग्जाम्पल, आप इनपुट डिवाइसेस की एग्जाम्पल ऐसे ले लें कि अगर हमने
बिरयानी बनानी है, कोई भी खाना बनाना है, तो उसके अंदर नमक, मिर्च, टमाटर, लहसुन, अदरक सब कुछ डालते हैं हम, देन वी गेट द एक्चुअल डिश, हमें एक्चुअल डिश मिलती है जिसका नाम है बिरयानी। जो हमने नमक, मिर्च, लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर ये सब कुछ डाला है, दीज आर द इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। लाइक वाइज इन आगे जब कंप्यूटर में हम कुछ कमांड देते हैं, ठीक है, और जिसकी मदद से देते हैं, वो उसको कहा जाता है इनपुट डिवाइसेस। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम कुछ टाइप करते हैं एंड वी सर्च इट, ठीक है। माउस से हम क्लिक करते हैं कि हमें ये चीज चाहिए। माइक्रोफोन से हम कुछ बात करते हैं, उस तक बात पहुंचाते हैं, सो दैट वी कैन कन्वे आवर मैसेज। स्कैनर से भी हम काम लेते हैं और डिजिटल कैमरा से हम वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड, नंबर वन इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड। कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। इट अलाउज अ यूजर टू टाइप अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल्स इनटू द कंप्यूटर, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको समझाया। इट हैज स्मॉल बटन्स कॉल्ड कीज, ठीक है, उनके छोटे छोटे से बटन होते हैं, उनको हम कहा जाता है कीज। द कीज आर लेड आउट इन द क्वर्टी पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न में लगाए गए हैं कीज सारे, जिसको क्वर्टी पैटर्न कहते हैं। Now look at the keyboard again. QWERTY are the letters on the top left of the board. ठीक है, जो QWERTY है वो टॉप लेफ्ट पे हमें दिया गया है। जैसे ये देखिए, यू कैन सी टॉप लेफ्ट QWERTY, ठीक है। टॉप लेफ्ट पे अगर आप देखें कीबोर्ड के तो QWERTY लिखा हुआ है। सो दीज कीज आर इन अ QWERTY पैटर्न, और ये है रहा आपका कीबोर्ड जो आपको सबसे ऊपर दिए गए हैं ऑन द वेरी अबव पार्ट, वो फंक्शन कीज हैं, ठीक है। ये सारे कीज जो आपको पर्पल में दिए गए हैं, दीज आर अल्फान्यूमेरिक कीज, ठीक है। ये जो पिंक में आपको कीज दिए गए हैं ऑन दिस साइड, ये कर्सर कंट्रोल कीज होते हैं, और जो ग्रीन में आपको दिए गए हैं वो न्यूमेरिक कीपैड होता है, ठीक है। अब इन सबको हम डिटेल में आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे फर्दर, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने जहन में रखना है कि कंप्यूटर की बोर्ड हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ, स्टैंडर्ड कीबोर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस, फंक्शन कीज, अल्फान्यूमेरिक कीज, न्यूमेरिक कीपैड एंड कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज। इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। फंक्शन कीज, द फंक्शन कीज आर लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड। द पर्पज ऑफ दीज कीज इज बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर वी आर यूजिंग। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिंग द F1 की ओपन्स द हेल्प स्क्रीन इन विंडोज। अच्छा, ये जो फंक्शन कीज होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड क्विक कीज, ठीक है। इससे हम कंट्रोल प्लस फंक्शन की मिलाकर हम डिफरेंट जो है वो क्विक फंक्शंस ले सकते हैं। जैसे उन्होंने आपको बताया है कि F1 की को प्रेस करने से हम हेल्प स्क्रीन विंडोज खोल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह जो है बाज़ औक़ात गेम्स वगैरह में अगर आप नोट डाउन करें तो F5 या F8 प्रेस करने से गेम सेव हो जाती है, वहां पर लोकेशन हो जाती है। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द क्विक कीज, मतलब आपने क्विकली कोई काम करना है तो आप फंक्शन कीज यूज करें। नेक्स्ट इज अल्फान्यूमेरिक कीज। अल्फान्यूमेरिक कीज आर द कलेक्शन ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड पंक्चुएशन कीज। दिस सेक्शन ऑल्सो इंक्लूड सम स्पेशल कीज, द टैब, कैप्स लॉक, बैकस्पेस, एंटर, शिफ्ट, कंट्रोल एंड ऑल्ट कीज। चले आज हम देखते हैं, ये देखें, अल्फान्यूमेरिक कीज आर इन पर्पल, ठीक है। ये सारे अल्फाबेट्स हैं, सारे सिंबल्स इसके अंदर आ जाते हैं, कैप्स लॉक आ जाता है और कंट्रोल अल्ट सारी मेन कीज आपको इस सेक्शन में मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक कीज, ठीक है। ये मेन कीज है, इससे हम मेन काम करते हैं कोई भी। आगे आ जाता है न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। द न्यूमेरिक कीपैड इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन द राइट साइड ऑफ अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। दिस सेक्शन कंटेन्स डिजिट कीज एंड मैथमेटिकल ऑपरेटर कीज। आए हम देखते हैं, ये देखिए, न्यूमेरिक कीपैड इज ऑन द राइट, ऑन द एक्सट्रीम राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड, जो ग्रीन में है न्यूमेरिक कीपैड, ठीक है। इसके अंदर 1, 2, 3 हम इनको यूज करते हैं फॉर राइटिंग डाउन नंबर्स,
and for tackling the numerical signs, जैसे plus, minus, hash and etc. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है कर्सर कंट्रोल या नेविगेशन कीज. कर्सर कंट्रोल कीज कंसिस्ट ऑफ एरोस, एरो कीज, इंसर्ट, डिलीट, होम एंड पेज अप एंड पेज डाउन कीज. दीज कीज आर यूज टू मूव कर्सर विद इन द टेक्स्ट. ठीक है. अब एक टेक्स्ट आपने लिख लिया, उसके अंदर आपने कर्सर को मूव करना है. ठीक है. कर्सर मीन्स योर माउस. ठीक है. जहां पर आप पॉइंट करना चाहते हैं उसको मूव करने के लिए ये कीज भी यूज होते हैं. आए हम कीबोर्ड में इसका देखते हैं. ये देखें, इन पिंक दे आर नेक्स्ट टू द न्यूमेरिक कीपैड. ठीक है. बिफोर न्यूमेरिक कीपैड यहाँ आपको कर्सर कंट्रोल कीज मिलेंगे. अगर आप गेम्स खेलते हैं, इफ यू आवर प्लेइंग गेम्स, आजकल तो वैसे ही बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, तो गेम्स अगर आप खेलते हैं तो ये जो लेफ्ट राइट और एरोस वाले कीज हैं, इससे आप मूव करते हैं अपने करेक्टर को. ठीक है. राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन. ठीक है. दीज आर कॉल्ड कंट्रोल कीज. और ये आपको एक टेक्स्ट, यानी कि आप जब एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर भी अपने एरो को, अपने माउस को मूव करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह ये कीज यूज होती हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड कंट्रोल कीज, मतलब कंट्रोल करने के लिए. ठीक है. नेम सजेस्ट द थिंग कंट्रोल. जी बच्चों, आफ्टर द पार्ट्स ऑफ कीबोर्ड जब हमने पढ़े, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट कीज एंड देयर फंक्शंस. ठीक है. कुछ ऐसे कीज होते हैं जिनका फंक्शंस का आपको अगर पता हो तो आप इजीली एक डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं और कंप्यूटर को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज द टैब की. टैब की लेट्स यू मूव द कर्सर मोर देन वन स्पेस एट अ टाइम. ठीक है. अगर आप सिंपली एक स्पेस का बटन दबाएंगे तो उससे एट अ टाइम वन स्पेस होगी, लेकिन अगर आप टैब का बटन दबा देंगे तो वो डबल स्पेस इन वन टाइम हो जाएगी. उसके बाद आता है डिलीट की. डिलीट की इज यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर टाइप इनकरेक्टली. अगर आपने कोई भी वर्ड या कोई भी डिजिट या कोई भी चीज इनकरेक्टली लिख दी किसी डॉक्यूमेंट में तो आप डिलीट का बटन दबाएं एंड इट इज गॉन, खत्म हो जाएगी ये. नेक्स्ट इज एस्केप की. एस्केप की इज यूज टू टर्मिनेट एनी प्रोसेस इन बिटवीन. ठीक है. अगर आप कोई भी फाइल या गेम या कुछ भी एकदम से टर्मिनेट या खत्म करना चाहते हैं तो यू विल प्रेस एस्केप की. ठीक है. एंड इट इज गॉन. आप फिर डेस्कटॉप पे आ जाएंगे एंड यू कैन स्टार्ट योर न्यू वर्क. फिर आ जाता है बैक स्पेस की. इज यूज टू इरेज अ लेटर और नंबर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर. ठीक है. आपने लिखते लिखते एक अल्फाबेट गलत कर दिया है, सो यू विल प्रेस बैक स्पेस की और उससे आपका जो गलत लेटर है वो रिमूव हो जाएगा. याद रखना कि डिलीट से पूरा लेटर खत्म हो जाएगा और ये जो बैक स्पेस की है इससे एक लेटर, एक अल्फाबेट आपका इरेज होगा. उसके बाद आ जाता है आफ्टर द बैक स्पेस की देयर इज द कैप्स लॉक की. प्रेस द कैप्स लॉक की व्हेन यू वांट टू राइट अ लेटर इन कैपिटल लेटर्स. ठीक है. आप कीबोर्ड पे कुछ टाइप करते हैं, उससे टाइप करते हैं कुछ डॉक्यूमेंट में तो वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा बल्कि स्मॉल लेटर्स में होगा, लेकिन अगर आप कैप्स लॉक की दबा देंगे देन आप राइट करेंगे तो तब आपका जो टेक्स्ट होगा वो कैपिटल लेटर्स में होगा. ठीक है. होम, होम की. होम की मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन और स्क्रीन. अगर आपने कहीं पैराग्राफ के एंड पे या दरमियान में आए एंड यू वांट टू गो बैक टू द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ. ठीक है. पैराग्राफ के स्टार्ट में अगर आप दोबारा से जाना चाहते हैं कहीं से भी तो आप होम की प्रेस कर देंगे एंड आपको जो कर्सर है, जो आपका माउस है, वो आपको वहां ले जाएगा आपके पैराग्राफ के स्टार्ट पे. देन कंट्रोल और अल्ट किया जाता है. दीज टू कीज डू नॉट वर्क ऑन देयर ओन. ठीक है. ये खुद वर्क नहीं करते, खुद काम नहीं करते. दे आर यूज इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की. ठीक है. ये दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन बनाकर तो तब काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कंट्रोल प्लस ओ ओपन अ न्यू फाइल, अल्ट प्लस एफ फोर टू क्लोज एनी प्रोग्राम. ठीक है. ये होती है शॉर्ट कीज. ठीक है. जिनको आप टू कीज को दबा के इकट्ठा तो एकदम से क्विकली आप कोई काम ले सकते हैं.
जो कंट्रोल एंड ओ अगर आप दबाएंगे तो आप न्यू फाइल निकल आएगी, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड शॉर्ट कीज, और ये कंट्रोल और आर जो है वो हेल्पर कीज के तौर पे यूज होती हैं, दे आर नॉट यूज डायरेक्टली, ये डायरेक्टली यूज नहीं होती। द नेक्स्ट की इज एंड की। एंड की मूव्स द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन और स्क्रीन, ठीक है। जैसे होम की आपको पैराग्राफ या लाइन के एंड शुरू में ले जाता है एकदम से होम की दबाने से। अगर आप एंड की दबाएंगे तो आप पैराग्राफ के स्टार्ट में होंगे या दरमियान में होंगे, आपको वो एंड पे ले जाएगा, ठीक है। यू हैव रिटन अ पैराग्राफ और आप उसको दरमियान से एंड से ठीक कर रहे हैं, तो जहां कहीं भी आप होंगे आप एंड की दबाएंगे तो वो पैराग्राफ के एंड पर आपका कर्सर आ जाएगा। Then there is enter key. Enter key is used to start a new line to execute a command. ठीक है, for example आपने कोई भी command देनी है, जैसे do this, computer को आपने कहना है ये काम करें, ये file खोलें, ये की search करें, तो जैसे ही आप enter दबाएंगे तो वो काम शुरू कर देगा। तो execute मतलब शुरू करना एक new काम को। और आप अगर एक document write कर रहे हैं तो अगर आप एंटर दबाएंगे तो आपको वो लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो एंटर की हैज टू बेनिफिट्स। उसके बाद आ जाता है शिफ्ट की। शिफ्ट कीज आर यूज्ड टू टाइप कैपिटल लेटर्स, ठीक है। वैसे तो आप अगर कैप्स लॉक दबाते हैं तो आपको कैपिटल लेटर्स मिल जाते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन अगर आप शिफ्ट और अपना अल्फाबेट दबाएंगे तो देन यू विल ऑल्सो गेट अ कैपिटल लेटर, ठीक है। शिफ्ट प्लस आप अपना अल्फाबेट दबाएंगे तो जो लफ्ज है वो कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। टू टाइप सिम्बल्स, ठीक है। आपने यूजली देखा होगा कीबोर्ड पे कि टू सिंबल्स एक जो है वो की पे होते हैं, एक बटन पे टू सिंबल्स होते हैं, तो वो एक साथ अगर आप उसको दबाएंगे तो एक साथ दो सिंबल नहीं आएंगे, बल्कि अगर आप उसको अकेला दबाएंगे तो कोई और सिंबल आएगा, और अगर आप शिफ्ट प्लस वो वाली की दबाएंगे तो कोई और सिंबल आएगा, ठीक है। तो शिफ्ट की इज ऑल्सो यूज फॉर टू थिंग्स। ये बातें आपने जहन में रखनी है, डू टेक दैट इन योर माइंड्स एंड राइट देम डाउन, ठीक है। अपनी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेंसिल लेके बैठे, अपने रजिस्टर में ये सारे फंक्शंस कीज सब कुछ नोट करते जाएं, ताकि एंड पे जब आपको एक ओवरव्यू लेना पड़े तो आप आसानी से उन पॉइंट्स को लर्न कर सकें, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।